फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में मैं एक बिल्ड स्किल कंपनी के फोल्डेबल शो हॉर्स का रिव्यू कर रहे हैं। किस तरह से इस फोल्डेबल शो हॉर्स को यूज़ किया जाता है, क्वालिटी किस तरह से होती है, कहां कहां पर आप इस फोल्डेबल शो हॉर्स को यूज़ कर सकते हैं, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक बिल्ड स्किल कंपनी के फोल्डेबल शो हॉर्स अमेजोन के ज़रिए बुलाई है। सबसे पहले इस फोल्डेबल शो हॉर्स की क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें काफ़ी हेवी ड्यूटी मेटल लेग्स दिए गए हैं। देखिए, इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। आप इसे एज ए कॉम्पैक्ट वर्क बेंच की तरह यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से यह सेटअप हो जाता है और फोल्डेबल होने के चलते आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। देखिए, इसे सबसे पहले ओपन किस तरह से किया जाएगा, इसके लेग्स को देखिए, काफ़ी आसानी से देखिए लेग्स यहाँ पर लॉक भी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड लॉक, अभी लेग को हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से। इसमें लॉक का सिस्टम दिया गया है। एक बार जब आपके लेग्स इसके ओपन हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। इसी तरह से इसे अनलॉक करना भी काफ़ी सिंपल है। देखिए, पहले इस लॉक को आप प्रेस कीजिए हल्का सा। देखिए, लॉक को प्रेस किया, ये अनलॉक हो गया है। देखिए, काफ़ी आसानी से आप इसे लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी आसानी से इसके अनलॉक हो जाए, जस्ट आपको हल्का सा स्विच को प्रेस करना होगा। यदि आपके पास दो इस तरह से फोल्डेबल शो हॉर्स है तो इसे अटैच एंड डी अटैच करना काफ़ी सिंपल है। देखिए, दोनों को आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। पहले हम अटैच करना समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसमें लॉक भी दिया जाता है। देखिए, यदि आपके पास दो फोल्डेबल शो हॉर्स है तो आप इसे लॉक कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। इस तरह से इसमें होल दिया जाता है और लॉक करने के लिए देखिए, सबसे पहले इस लॉक को आप हल्का सा मिला लीजिए। इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आप इसे कहीं पर भी फोल्डेबल होने के चलते कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसे लॉक करना, अटैच करना काफ़ी सिंपल है। देखिए, अटैच हो गया है। नीचे से भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। देखिए, लॉक हल्का सा मिलाइए और इसे अटैच कर दीजिए। और डी अटैच करना भी इसका काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। देखिए, लॉक हो गया है, इसे आप कैरी करना काफ़ी सिंपल है। और डी अटैच करना भी काफ़ी सिंपल है। अब आपको यदि वर्क बेंच लगाना है तो जस्ट सिंपल सा आप इसे डी अटैच कीजिए इस तरह से। और इसके आपको जहाँ पर भी वर्क बेंच लगाना हो, जिस भी तरह की आपको एप्लीकेशन का यूज़ लेना है, आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, हमने यहाँ पर दोनों ही फोल्डेबल शो हॉर्स को इस तरह से लगाया। इसका हमने दो पेयर बुलाए हैं और इसे आप टेबल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कहीं पर भी आपके पास यदि जगह की कमी है, गैरेज में यदि जगह नहीं है, तो इस तरह से आप इसे टेबल बना सकते हैं। इस तरह से वुड कटिंग का किसी भी तरह का काम आप कर सकते हैं। फोल्डेबल होने के चलते यदि आपके यहाँ जगह की कमी है तो आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और कहीं पर भी फोल्डेबल टेबल बनाकर अपना काम इसमें कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको जो भी एप्लीकेशन का यूज़ करना हो, आप इसे कर सकते हैं। इस फोल्डेबल शो हॉर्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। यदि आप इस फोल्डेबल शो हॉर्स को परचेस करना चाहते हैं तो उसकी परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहले यदि जगह की कमी है या आपका सिविल का कोई वर्क है, अब वहां पर आपके पास ऑटोमेटिकली टेबल तो रहती नहीं है, तो इस तरह से आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और इसे एज अ टेबल, एज अ वर्क बेंच की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको जो भी एप्लीकेशन में यूज़ लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसे आप यूज़ ले सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये फोल्डेबल शो हॉर्स अच्छी लगी हो। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।